टॉर्क, आज हम लोग का टॉपिक है टॉर्क, रोटेशनल गुसर का टॉर्क बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा फोर्स का मतलब जो मीनिंग फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, वही टॉर्क का रोटेशनल गुसर में होता है। जैसे उसको हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो फोर्स रहता है नेट फोर्स, अगर किसी बॉडी पे लग रहा है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है तो उसका जो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब अगर नेट फोर्स लग रहा है बॉडी में तो उस पर एक एक्सेलरेशन आता है और वो एक्सेलरेशन उसकी स्पीड बढ़ाता है नेट फोर्स के कारण। यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क क्या क्रिएट करता है, वो भी एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, बट वो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। देखिए इस बात को हम लोग समझते हैं, जैसे ये एक बुक है। अब देखिए इस पर मैं दो तरीके से फोर्स लगा सकता हूँ, एक ऐसे, ये ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये देखिए ये ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ये इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये लीनियर मोशन। लेकिन फोर्स का तरीका बदलते हैं, ये देखिए ये सेंटर ऑफ मास के अलाइन होके सेंटर ऑफ मास पे लेके जब फोर्स लगाया तो ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं अपने फोर्स को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फोर्स लगाने के तरीके को चेंज कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ये यहां से बड़ी अच्छे समझ में आएगा, ये है इस पर ऐसे फोर्स लगा तो ये लीनियर मोशन। जैसे आप अपनी साइकिल को या गाड़ी को या किसी भी चीज के हैंडल को पकड़ के ऐसा खींचेंगे तो वो एकदम घिसटते हुए ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स इसके बजाय, ये देखिए ये फोर्स परपेंडिकुलर लगा, ये ऐसे, इसका एक एक्सिस यहां है, मैं इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया ऐसे करके, लाइक दिस। जैसे मैंने क्या किया, ये है, अब इस पे फोर्स का तरीका चेंज कर दिया। देखिए पहले मैं ऐसे फोर्स लगा रहा था इधर से, अभी मेरा फोर्स का तरीका ये देखिए, ये यहां से ऐसे। तो यहां पे क्या हुआ कि ऐसे फोर्स लगाने से ये घूम गया, आगे बढ़ नहीं रहा लेकिन रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट। तो रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स का इंपॉर्टेंस होता है। देखिए टॉर्क की कुछ स्पेशल कंडीशंस है, तो टॉर्क की स्पेशल कंडीशंस ये है, टॉर्क को कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो अगर किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करना है, अगर किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करना है मतलब घुमाना है, तो देखिए वहां पे कम से कम दो फोर्स लगने चाहिए, सिंगल फोर्स टॉर्क नहीं बनाएगा, एटलीस्ट दो फोर्स। देखिए ये यहां और ये यहां, अब ये देखिए ये यहां यहां पे लगाया, अब इसको ऐसे ऐसे आप घुमा सकते हैं, या ये देखिए ये ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके, अगर इसका ये एक्सिस मान लो तो ये ऐसे करके मैं फोर्स, ये देखिए ये क्या करेगा, ये अपनी जगह पे घूम रहा है, ये अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है। तो देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ना फोर्स कैसा लगा, सेंटर ऑफ मास की लाइन के परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ मास यहां पे उसकी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और इसमें कपल ऑफ फोर्स पैदा हुआ है, तो ये ऐसे से। जैसे आप अपने गाड़ी के या साइकिल के हैंडल को देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे करके आप पहले ऐसे खींचे हैंडल को पकड़ के तो ये ऐसे घसटता हुआ आ गया, लेकिन अब आप तरीका बदल लेते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे करके तो वो ना उसका एक्सिस यहां से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बना के दिखाता हूं तो इसको आप समझ जाएंगे जल्दी से। ये देखिए कि ये मान लीजिए ये एक्सिस है, मतलब ये है लाइन, ठीक है, ये हैंडल है, आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट इसका फिक्स है, तो ये ना ऐसे करके ना ये घूमने लगेगा, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, ऐसे करके फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा।
फिर ये हो जाएगा मतलब ये ऐसे करके, ये देखिए ये घूमने लगेगा ऐसे ऐसे। आपने फोर्स कैसे लगाया, देखिए ध्यान दीजिए फोर्स कैसे लगाया, ये ऐसे, ये वाला एक यहां पे सेंटर ऑफ मास उसका मान लीजिए यहां पे है, तो एक ऐसे फोर्स लगाया है और एक ऐसे फोर्स लगाया है, एक उधर से एक इधर से, तो ये ऐसे 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 घूमना शुरू होगा, ऐसे ऐसे रोटेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये रोटेट होना, देखिए अगर नेट फोर्स लगता है, लीनियर फोर्स रहता है, तो वो आगे बढ़ाता है चीजों को, लीनियर मोशन क्रिएट कराता है। लेकिन सपोज अगर मतलब रोटेशन कराना है, स्पीड से रोटेशन कराना है, लीनियर फोर्स आता है तो उसके साथ एक्सेलरेशन आता है नेट फोर्स के साथ, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए के हिसाब से, तो वहां पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाता है, यहां पे भी एक्सेलरेशन टॉर्क के कारण प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, क्योंकि ये इसके रोटेशन की स्पीड, अगर आपको गाड़ी के आरपीएम को बढ़ा देना, आप गाड़ी के कैटलॉग में भी देखोगे तो उसमें भी टॉर्क आता है, वो टॉर्क उसके रोटेशन आरपीएम को, रोटेशन पर मिनट जो है ना, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ना, टॉर्क बनाने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए एटलीस्ट दो फोर्स होने चाहिए, कपल ऑफ फोर्स हमेशा पेयर में ही आते हैं। तो देखिए एक ये एक ये, अब देखिए इसको ना, ये वाली लाइन अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये देखिए, तो लाइन ऑफ रोटेशन के, ये वाली लाइन ऑफ रोटेशन के जो पॉइंट होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन ऑफ रोटेशन के पॉइंट है, मान लीजिए ये, तो इसके लाइन ऑफ रोटेशन का कोई पॉइंट मूव नहीं करेगा, बाकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोई पॉइंट मूव नहीं करेगा, बाकी बॉडी पूरी मूव करेगी, ये देखिए ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब घूमना शुरू हो जाएगी, उसकी और स्पीड बढ़ानी है तो आपको टॉर्क की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा टॉर्क आएगा तो ज्यादा रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी, ये देखिए। अब कुछ कंडीशंस होती है रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगने की, कि वो रोटेट करेगा कि नहीं, उसकी पहली कंडीशन ये है कि ना, देयर शुड बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये कपल ऑफ फोर्स के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर प्योर रोटेशन, ध्यान दीजिएगा, प्योर रोटेशन के लिए कम से कम मतलब सॉरी दो फोर्स लगने चाहिए जो कि इक्वल और अपोजिट हो, और इस बीच एक्सिस ऑफ रोटेशन के, एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोई पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं होता है, ठीक। दूसरा, ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे नहीं लगने चाहिए, ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे, जिस एक्सिस के अबाउट लग रहे हैं उससे परपेंडिकुलर, मतलब कुछ एंगल बनता है, अगर एक ही पॉइंट पे लगेंगे तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहेगा ना फोर्सेस का, वो जीरो हो जाएगा। देखिए अगर एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर, अब इसको बोलो कि ये रोटेट करे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये देखिए एक इधर लगाया फोर्स, एक इधर, अब ये इसको बोलो कि मैं ये रोटेट हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग गया तो उन दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू वैक्टर आर क्रॉस वैक्टर एफ, वैक्टर आर क्रॉस वैक्टर एफ, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। तो R cross F, ये वेक्टर R जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस आपको याद रखना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फोर्स से परपेंडिकुलर ले आया है, और टॉर्क इन दोनों से परपेंडिकुलर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप देखिए एक ही पॉइंट पे अगर दोनों फोर्स लगेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा, मतलब देयर शुड बी सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दोस फोर्स, यहां पे वो जो दोनों फोर्स है उन दोनों के बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों एक ही जगह पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे होंगे तो ये वेक्टर आर जो निकला यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगी, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, एक आपने यहां पे एक फोर्स लगाया, जैसे आप जाते हैं और नल को खोलते हैं, तो नल को कपल ऑफ फोर्स से खोलते हैं, उसका बीच का पॉइंट ऐसे टैप का जुड़ा रहता है और वो ज्वाइंट रहता है, उसी के अबाउट वो घूमता है, उसी के अबाउट घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उस पर कपल ऑफ फोर्सेस आते हैं। अब इस चीज को और ध्यान दीजिए कि ये इधर पे फोर्स लगाया, इधर पे फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन और इधर से फोर्स लगाया 25 न्यूटन, तो अब बात होगी कि क्या ये रोटेट करेगी, तो आंसर है हाँ, पर ना ये प्योर रोटेशन केवल रोटेट बननी होगी, ये आगे भी जाएगी, क्योंकि ये जो 25 न्यूटन है इसको लिखी जाइए
20 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन मिलके इसको रोटेट कराएंगे और ये जो एक्स्ट्रा 5 न्यूटन है ये इधर आगे भी लेके जाएगा। मतलब इसमें कैसा मोशन होगा, तो इसमें रोटेशनल प्लस लीनियर दोनों टाइप के मोशन होंगे, ठीक है, दोनों टाइप के मोशन होंगे। लेकिन अगर कपल ऑफ फोर्स, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस और इक्वल एंड अपोजिट हो और दोनों एक दूसरे को, तो यहां पे प्योर रोटेशन आ गया। अगर वो भी 20 न्यूटन का रहे और ये भी 20 न्यूटन का ही फोर्स रहे, तो यहां पे जो घूमेगा ये केवल रोटेट होगा ऐसे लगातार, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई पॉइंट मूव नहीं करता है, ठीक। अगर आपको इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ानी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क, जैसे वहां पे फोर्स लगाना पड़ता था नेट फोर्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग और चीज जानते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क लगाने से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी को। तो टॉर्क लगाने से क्या आता है, तो एक्सेलरेशन आता है। कौन सा एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि इसको लगाने से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। और अगर सेंटर ऑफ मास की लाइन पे आपने लगाया फोर्स, तो वो हमेशा लीनियर मोशन करेगा, वो कभी रोटेशनल मोशन नहीं करेगा अगर सेंटर ऑफ मास की लाइन पे लगाया फोर्स, ठीक है। इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना पड़ता है और ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर सीधा फोर्स लगे, ये देखिए आपके घर का जो दरवाजा रहता है, ये देखिए, तो उसका एक हिंज जो जुड़ा रहता है, हिंज जो जुड़ा रहता है, तो उस पे आप ऐसा फोर्स लगाते हैं, देखिए ये ऐसे रहता है ये दरवाजा, इस पे ऐसा फोर्स लगाते हैं, तो ये यहां से जुड़े रहते हैं, तो ये ऐसा फोर्स लगाते हैं, तो यहां पे भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहां से आए, तो इस पे एक बात ये है कि ये फोर्स आया, ये एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन कहां पे आता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट पे, यहां पे जिसके अबाउट घूम रहा है वहां पे इसका रिएक्शन आएगा और रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट होगा तो उसका रिएक्शन आएगा और वो दोनों के बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखिए इधर पे मैंने लगा इधर से फोर्स, तो यहां पे ऐसा उल्टा फोर्स आएगा। ध्यान दीजिए, इधर से लगाया ऐसे, इधर से लगाया, तो इसका ये जहां पे इसका हिंज जुड़ा हुआ है जहां से, वहां पे इसका उल्टे डायरेक्शन में ऐसा एक फोर्स आएगा, तो दोनों जो कि इसके इक्वल होगा, एक्शन के कारण रिएक्शन आया और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स और दोनों के बीच की कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फील्ड्स के बीच, तो ये ऐसे करके रोटेट होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि सिंगल फोर्स से टॉर्क क्रिएट नहीं होता है, देयर शुड बी कपल ऑफ फोर्स। और अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो केवल प्योर रोटेशन होगा, केवल रोटेट होगा, जैसे आपका पंखा रोटेट होता है, जैसे आपका पंखा रोटेट होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, पंखा वहीं वहीं घूमता है। और अगर उस पर नेट फोर्स भी कुछ हुआ, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स के कारण बॉडी को चलना ही पड़ता है, तो चलना ही पड़ेगा, तो वो आगे भी जाएगा और रोटेट होते हुए आगे जाएगा, ठीक है। अगर उस पर अनइक्वल, मतलब वो जो दोनों फोर्सेस, अभी मैंने उसका एग्जांपल दिया था 20 न्यूटन और 25 न्यूटन लेके, ठीक है, कि यहां पे देखने वाली बात ये है। और इस चीज को देखिए, हम लोग फोर्स के लिए एक बड़ी अच्छे से याद करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द लीनियर मोमेंट ऑफ दैट सिस्टम रिमेंस कंजर्व। अगर किसी सिस्टम पे कोई लीनियर मोमेंट, सॉरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता था। वैसे ही यहां पे मोमेंटम उसका चेंज होता था एक्सटर्नल फोर्स लगने पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगने पे, वैसे यहां पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगने पे इसका एंगुलर, कौन सा, तो एंगुलर, इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। और अगर मान लीजिए कहीं पे भी टॉर्क नहीं लग रहा है, किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उसका नेट एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जैसे वहां पे नेट फोर्स का होता था, नेट फोर्स नहीं लगता था, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता था, तो वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था। बाकी इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में।